अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट अप्पम रेसिपी, जो अपने आप में ही एक बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी। तो ये बेहतरीन नाश्ता विदाउट ऑयल है। तो आप देख सकते हैं, आप मैं इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि मैं इसे बिना ऑयल के किस तरह बनाती हूँ। तो मैंने ले लिया एक बाउल सूजी और आधा बाउल, जितना मैंने सूजी ली है उतना ही रेशियो रखना है हमें 2:1 का, यानी कि हमने अगर दो हिस्से सूजी के लिए हैं तो एक हिस्सा हमें दही का लेना है। तो मैंने ले लिया है आधा टेबल स्पून नमक और एक टी स्पून लिया है मैंने शुगर। तो इसे सूजी को मैं अपने मिक्सी की जार में डाल रही हूँ, क्योंकि हमें ये इंस्टेंट बनानी है। तो और इसी में डाल रही हूँ अपनी जो दही मैंने ली थी वो। अगर आप परफेक्ट रेशियो रखेंगे तो आपके अप्पम भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो अब मैंने ये सारी दही अपने मिक्सी के जार में डाल दी है और ये नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और शुगर डालनी थोड़ी ज़रूरी है, थोड़ा इसका टेस्ट हमें बैलेंस करना है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून पानी और इसे अच्छे से इसका मिक्सी के जार का कैप लगा के मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। 2 से 3 बार अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। हमें क्या कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें बिल्कुल ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए अपने परफेक्ट अप्पम बनाने के लिए। तो चलिए मैं इसे ट्रांसफर कर लेती हूँ एक बड़े से बाउल में और इसमें हमें थोड़ा सा और फ्लफीनेस लानी है, थोड़ा सा हमें इसमें झाग से बनाने हैं, फर्मेंट करना है हमें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक फ्रूट साल्ट, 1 टीस्पून फ्रूट साल्ट डाला है मैंने और इसमें अच्छे से मिला लूँगी, घोल लूँगी बढ़िया से। इसमें देखिए आप देख सकते हैं एक फर्मेंट होना शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें इसे अब बिल्कुल रखना नहीं है, हमें फौरन इसका काम करना शुरू करना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ कि हमारा बैटर किस तरीके का है। माशाल्लाह से इस तरीके का बिल्कुल परफेक्ट बैटर है हमारे अप्पम के लिए। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो जिस वक्त मैंने फ्रूट साल्ट डाली थी उसी टाइम पर मैंने अपना ये पैन गर्म करने रख दिया था। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है, पर अब हमने इसकी जैसे ही अपने इसमें अप्पम का बैटर इस पर डाला है, बस इसका लो फ्लेम कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो भी नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता सिकने देना है। अगर आप थोड़ी जल्दी चाहते हैं कि ये जल्दी से सिक जाए तो ऊपर का एक जो इसका लिड होगी वो ढक कर रख दीजिए, तो ये थोड़ा जल्दी से बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये बनना शुरू हो गया है, कितने अच्छे से जाले बनने शुरू हो गए हैं। तो अभी थोड़े से बबल्स बनेंगे, उसके बाद फिर परफेक्ट एकदम जाल बन जाएगा इसका, एकदम बिल्कुल हनी बी की तरह। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये अब बिल्कुल सिकता जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी भी नीचे से कि किस तरीके का ये सिका है, बिल्कुल पिंक कलर का सेकना है, मैं दूसरी साइड से इसे सेकना नहीं है, ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब ये गीला है आप देख सकते हैं, पर कितने प्यारे जाले आ चुके हैं इसमें। तो बेहतरीन अप्पम बनाने की ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जाले बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके अप्पम भी इसी तरह के बेहतरीन बनेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो गया है। ज़रा करीब से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए आप देख सकते हैं ये ऊपर से भी अब थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो मैं इसको फ्लिप करती हूँ, तो अब ये अपम ऊपर से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है। इसे 4 से 5 मिनट लगी पूरा बनने में। तो ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है, कितना इजीली मैं इसे फ्लिप करने कर रही हूँ इस स्टिक की हेल्प से। ये देखिए कितना इजीली ये तवे पर से उतर रहा है, मैंने एक बूंद भी ऑयल नहीं डाला था। ये विदाउट ऑयल रेसिपी है, वो जो डाइट कॉन्शियस है उनके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं हमारा अपम बनकर तैयार है। मैं आपको इसे दूसरी साइड से भी फ्लिप करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा अप्पम हमारा बन चुका है। ये देखिए दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके का हमें इसका टेक्सचर चाहिए। बहुत अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये बहुत डार्क कलर का हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला टेक्सचर चाहिए, हमें दूसरी साइड नहीं सेकनी है। तो चलिए हम बना लेते हैं एक इंस्टेंट चटनी जो इसके साथ बहुत ही बेहतरीन लगेगी, आप इसके साथ टेस्ट करिएगा, बहुत ही अच्छी जाएगी। तो मैंने ले लिया है आधा बाउल नारियल, उसके साथ डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सिसमे सीड्स और करी पत्ता, 4 से 5 करी पत्ता और 5 से 6 मैंने ले लिया है
गार्लिक और 1 टीस्पून ले लिया है नमक और 2 टेबलस्पून डाली है मैंने इसमें मूंगफली और इसमें एज पर नीडेड मैंने डाल दिया है पानी, जितना आपको थिक रखनी है या जितना आपको फ्लो रखना है इसका। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया मिक्सी के जार में। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी और फ्लो वाली चाहिए तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ इसको एक बाउल में इस तरीके से और लगाते हैं इसमें एक तड़का। तो मैंने ले लिया 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड सीड्स और इनको अच्छे से क्रैकल होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इसमें डाल दिए मैंने 5 से 6 करी पत्ता, ये आपके पास अगर फ्रेश वाले हों तो फ्रेश वाले भी ले सकते हैं, मैंने ड्राई वाले डाले हैं। तो मैंने डाल दी है इसमें 1 साबुत मिर्च इस तरह तोड़कर, जो इसका बहुत ही लुक चेंज कर देगी। तो चलिए ये तड़का तैयार है, हम इसको डालते हैं अपनी चटनी पर और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तड़का एकदम डल चुका है इस पर और इससे इसका लुक एकदम टेम्पटिंग लगने लगा है, बिल्कुल ट्रेडिशनल लगने लगा है। तो माशाल्लाह से हमारी ये नारियल की चटनी जो अप्पम के साथ बहुत ही बेहतरीन लगेगी, वही इस सर्व की जाती भी है। तो आप देख सकते हैं हमारी नारियल चटनी भी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल वही टेस्ट जो हमारे यहाँ साउथ में मिलती है। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत यमी, बहुत ही ऑथेंटिक लगेगा। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और ये अप्पम के साथ इतनी बेहतरीन लगती है कि लाजवाब। तो मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कितने अच्छे से अप्पम हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से अप्पम पहली साइड से भी और दूसरी वाली जो हमारी पिंकिश साइड है, माशाल्लाह ये कितनी प्यारी लग रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे अप्पम बनकर तैयार हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, या जब भी दिल करे, या हल्की फुल्की भूख में, या आपके बच्चों के टिफ़िन में, या ऑफिस में जल्दी से कुछ भी बना कर देना हो तो आप इसको पैक कर दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, विदाउट ऑयल नाश्ता है ये। जो लोग ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी इसे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर खा सकते हैं, वो इंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसा नाश्ता है जो बिल्कुल ऑयल फ्री होता है। आपने देखा होगा मैंने एक बूंद भी ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो और जो लोग नए हैं वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन्हें देखने के लिए फ्री में मिले। तो चलती हूँ अगली किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।